नमस्कार। आज से सोशल वर्क बंद और पैनिक डे से शुरू हुआ हमारा सेल्फ आइसोलेशन जो आपसे शेयर कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आप में से कई लोग जानते ही हैं कि रुचा फर्दर यूनी स्टडी के लिए वेल्स लास्ट ईयर ही मूव हुई थी और ये है यूनी अकोमोडेशन। फ्लैट में सेपरेट रूम होते हैं और किचन 6 स्टूडेंट्स के बीच में शेयर करते हैं। खुद से खाना बनाना है, सेल्फ कैटर्ड अकोमोडेशन लिया था, वेजिटेरियन वीगन के लिए वही बेस्ट रहता। यूके लॉकडाउन होने की वजह से रुचा को तो घर वापस आना ही था, पर स्केड्यूल के 2 दिन पहले ही उसका फोन आ गया कि मम्मा, आई गॉट वेरी हाई फीवर एंड फीलिंग वेरी रफ, कांट बैर दिस। तो रात को ही 12:30 बजे मैं सिर्फ एडवाइस दे सकती थी कि तू पैरासीटामोल ले ले बुखार के लिए और हनी लेमन टी पी ले, पर उसमें हनी लेमन टी खुद से बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। तो वो वीक भी एकदम से अचानक से हो गई थी। रात जैसे तैसे निकाली और सुबह में मैं निकल गई उसको लेने के लिए, पर पता था कि वापस आते ही मुझे सेल्फ आइसोलेट होना है हम दोनों को। तो जाते जाते ही सुपरमार्केट में सोचा कि 1-2 चीज़ें ले लूँ, फ्रूट्स ले लूँ और मेडिसिन भी ले लूँ, पर सुपरमार्केट्स की ये हालत थी। अभी मैं जा रही हूँ रोचा को लेने के लिए, एकदम अर्जेंसी आ गई है। उसकी तबीयत अचानक से रात को बिगड़ गई थी। वो यूनिवर्सिटी के हॉल में रहती है और इट्स फार फ्रॉम शेफील्ड, तो 215 माइल डिस्टेंस पे है। तो आज ही मैं जाऊँगी उसका सब सामान लेके, उसका पूरा जो भी लाना है वहाँ से सब लेके, उसको लेके वापस आज ही आ जाऊँगी। तो लंबा ड्राइविंग रहेगा एंड आने के बाद तुरंत हम दोनों को सेल्फ आइसोलेट होना पड़ेगा। मैं अभी थोड़ी सी रेस्टलेस हो गई हूँ, उससे कॉन्स्टेंटली बातें फ़ोन पे होती रहती है, पर 1 घंटे से नहीं हुई है तो थोड़ा सा पैनिक हो गई। वैसे तो मैं जल्दी पैनिक नहीं होती हूँ, पर ये हार्ड टाइम भी है और उसको मैं स्ट्रेंथ से फेस करने में मानती हूँ, पर दिस इज समथिंग रियली टू मच। उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई तो उसने थोड़ा सा पैकिंग भी कर लिया और एक एग्जाम भी दे दी ऑनलाइन। जाके उसका बुखार चेक किया, 100.5 था, और फिर भी हिम्मत देखो ये लड़की की। मैंने बोला रेस्ट कर ले, वो मेरी चिंता कर रही है कि मैं इतना सारा पैकिंग क्यों कैसे करूंगी और सब कुछ नीचे भी ले जाना है, तो वो मुझे करके दे रही थी सब कुछ। पर फिर उसकी वाट लगी तो उसको रेस्ट कंपलसरी करना पड़ा। सुना है कि स्टूडेंट अपने ही अकोमोडेशन में सेल्फ आइसोलेट होते हैं, पर मेरी तो उसे ऐसे अकेले छोड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। और आप थोड़े दूसरे स्टूडेंट्स को सेल्फ आइसोलेट होने के लिए कंपलसरी कुछ कंट्रोल कर पाते हो ना, वहाँ पे कोई ऐसे सिस्टम है कि कंट्रोल करते हैं, तो इससे अच्छा है मैं खुद उसको घर पे लाके दोनों स्ट्रिक्टली सेल्फ आइसोलेट हो जाए और दोनों साइड से सेफ रहे, ना स्प्रेड करे ना स्प्रेड होने दे। और पता भी नहीं है, शायद नॉर्मल कोल्ड या ऐसे ही फीवर हो सकता है, पर लेट्स सी घरेलू उपचार से क्योर करना सेफ लगा और सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने मस्ट है। सुना कीजिए, प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिज उधर
Machu. Hala. 14 speech. Hai. So, say bye-bye now. Bye. Bye, Mills. Bye-bye, Mills. Friends, jab subah mein main uthi to halat jo kharab thi mera, mujhe itna sar dard tha. अभी भी है, थोड़ा कम हो रहा है. रात को हम आए थे डेढ़ पौने दो बजे, तो काफ़ी थके हुए थे. एक ही दिन में इतना सारे चीज़ें करना, जाना फिर सब, उसके घर का पूरा पैकिंग करना, किचन का सब. तो आके फिर कोई सामान निकाला नहीं, सिर्फ फ्रीजर का निकाल के ठिकाने पे लगा दिया. उसको काफ़ी बुखार चढ़ा था, उसने भी थोड़ी सी मदद की थी कि जो मैं अकेले कैरी नहीं कर पाऊँगी गाड़ी में रखने के लिए, तो शी डिड हेल्प एंड फ्यू थिंग्स बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन उसको करना पड़ा था. तो आई फील बैड अबाउट इट. पर कभी कभी होता है ना कि आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं है. बाकी सारे वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट ने भी बोला कि डू यू वांट एनी हेल्प, पर अभी आपको भी पता नहीं है कि आपको क्या है, सिंपल सा वायरस है या कुछ है. तो आपको भी ये नहीं चाहिए कि किसी को दे. तो ये सिचुएशन ही ऐसी है, तो किसी की हेल्प भी नहीं लेनी थी. वहाँ पे कई सारे लोग थे जो बोलते थे इनोसेंटली, पता है कि किसी के टच में नहीं आना है, फिर भी हम स्ट्रगल करते थे सामान को लेके. तो फिर बोलते थे, फिर सोचा था कि चलो नहीं हो पाएगा तो छोड़ के आएंगे सब कुछ वहीं पे. पर फिर मैनेज हो गया. और सुबह में उठे हैं, वो अभी उठी है, थोड़ा ठीक फील कर रही है. देखते हैं आज अभी सामान निकालेंगे पूरा, उसको नहीं निकालने दूंगी, मैं ही निकालूंगी और सब लगाएंगे ढंग से. अभी तो 15 सेल्फ आइसोलेशन में जाना है. फ्रेंड्स है जो कुछ इधर उधर का सामान अगर चाहिए होगा तो वो दे ही जाएंगे. कल भी मैं जब जा रही थी तो मेरी एक फ्रेंड को मैंने पूछा जो नज़दीक में ही रहती है, वो मेरी स्टूडेंट की पेरेंट्स है, तो उसी से खाना भी मैं लेके गई थी, सब्जी. और क्योंकि 8-10 hours का रास्ता पूरा था कि 8-10 hours लगेंगे, रास्ते में कहीं पे खाना पीना नहीं है बाहर का. तो अभी एक डिफरेंट चैलेंजेस एंड डिफरेंट सब कुछ तरीके से हैंडल करना है. सबको बहुत ख्याल रखना है इसमें कि आप किसी को गलती से प्रॉब्लम में नहीं डाल दो, या फिर आप खुद नहीं प्रॉब्लम में आ जाओ कुछ ज़्यादा हेल्प कर दे टाइम पे. तो दोनों का ख्याल रखना है और लेट्स सी हाउ कैन वी मैनेज. पर एक है चीज़ की जितनी कम चीज़ों से काम चला सकेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, सीरियसली बाहर नहीं जाएंगे, तो ही इसमें कंट्रोल आ पाएगा. और अभी चलो काफ़ी कुछ घर से कर सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाना है, अच्छे से खाना पीना ध्यान रखना है. जैसे सुबह में मैंने उठी तो जो हेडेक था तो मैंने गार्गल किए, हनी लेमन टी पी, स्टीम लिया. तो ये सब बेसिक जो भी हम कर सकते हैं हमारे लिए क्योर करने के लिए या फिर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. मेरी कज़िन को बहुत नॉलेज है इसमें, मेरी दीदी को, तो वो बोले कि विटामिन सी की फूड सप्लीमेंट लो, जिंक की फूड सप्लीमेंट लो, तो उससे काफ़ी इम्यूनिटी बूस्ट होती है. तो I have started that as well. So let's see. तो मैसेज यही है कि बस सब लोग अपना ख्याल रखें ढंग से, जो भी करना है करें प्लीज़. उसमें थोड़ा सा भी लाइट ईजी मत लो, क्योंकि बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है. जब एकदम से नज़दीक आ जाते हैं ना वो सीरियस कि बहुत कई सारे लोगों को हो रहा है, अभी हॉस्पिटल में भी जगह नहीं है, तब जाके आँखें खोलने का कोई मतलब नहीं है. अभी से अगर आपके टाउन में या आपकी सिटी में नहीं है तो ख्याल रखिए कि बस वो नहीं है रहे. एक बार शुरू हो जाता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है और ऑलमोस्ट नामुमकिन भी हो जाता है, जैसे कि इटली में, जैसे कि अभी यूके में पैनिक हो रहे सब, जो भी एनवायरनमेंट या फिर नहीं है अभी हॉस्पिटल में जगह. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें और लेट्स सी हाउ कैन वी ऑल गेट थ्रू विद दिस. दोस्तों घर में फैमिली टाइम मिल रहा है तो उसे एंजॉय करें. बाकी हमारी हमेशा कंप्लेन रहती है कि टाइम नहीं मिलता है. तो अब जब मिल रहा है तो उसको अननेसेसरी कंप्लेन में वेस्ट क्यों करें.
दोस्तों की वर्कर जो हमारे लिए घर से बाहर रहते हैं और हमें सेफ रखने के लिए डॉक्टर नर्स ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ पुलिस लोकल काउंसिल स्टाफ जो लंबी लंबी शिफ्ट एंड रिस्क ले रहे हैं उसको व्यर्थ नहीं जाने दे। सबसे इजी तरीके से हेल्प करे, घर पे रहे, सेफ रहे और याद रखें जान है तो जहान है। और आज के ब्लॉग में इतना ही। मैं अपडेट करती रहूंगी कि घरेलू उपचार से हमने कैसे क्या क्या किया और रिकवर हुए या नहीं। तो फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ या वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।